नमस्ते, दिलालन टॉप गुजरात चुनाव यात्रा में आज वडोदरा की दाभोई सीट पर है और हमारे साथ यहाँ के भाजपा कैंडिडेट शैलेश मेहता उर्फ सोट्टा हैं। सर, ये सोट्टा का क्या मतलब होता है? हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में जो चुनाव एमएस यूनिवर्सिटी में होते हैं जी, वहाँ निकनेम से होते हैं। आपने सावली में गए होगे तो कोको नाम सुना होगा, जो उसका बेटा लड़ रहा है कोको के नाम से लड़ रहा है। उसका है फादर थे वो भी प्रकाश ब्रह्म भट्ट कोको के नाम से, एमएलए थे, एमपी भी बन चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा उसी वक्त से नाम चल गया है। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से आए? मैं 3 साल स्टूडेंट लीडर रहा हूँ एमएस में, 83 से 86। 3 साल तक? या अच्छा। अभी शैलेश जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, और वो वीडियो चूंकि गुजराती में है और मुझे गुजराती थोड़ी कम आती है, मैंने हिंदी इंग्लिश में खबरें पढ़ी हैं और वो वीडियो देखा है। मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, आप ये बता दीजिएगा कि वही बातें हैं या कुछ अलग बातें हैं और उनको उनका क्या मतलब है? जो खबरों में आया वो ये ऐसा था कि आपने कहा कि अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला बैठा हुआ है तो माफ़ करें, लेकिन इनकी आबादी कम करने की ज़रूरत है, ऐसा? पूरी वीडियो किसी ने नहीं देखी है जी। 2 मिनट 21 सेकंड की वीडियो कट करके बनाई गई है। हाँ। और पूरी वीडियो देखो, और मैंने बोला है कि जो एंटी सोशल असामाजिक तत्व गुजराती में बोलते हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है, जो बोल रहे हैं कि डबोई का जो भाजपा का उम्मीदवार है उससे हमें डर लगता है। अगर वो ऐसा बोले तो मुझे बोलना चाहिए कि वो डरना ही चाहिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा? अच्छे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, व्यापारियों को डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो गलत धंधा करते हैं उनको तो डरना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गलत लोगों को डरना चाहिए, लेकिन क्या केवल दाढ़ी टोपी वाले ही एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं? ऐसा मैंने नहीं किया, आपने शायद दाढ़ी टोपी वाला शब्द यूज किया। दाढ़ी टोपी वाले माफ करें, क्योंकि उनके अंदर का ही एक आदमी जो तड़ी पार, जिसको नोटिस मिल चुका है, वो शांति समिति की मीटिंग में जाता है डीएसपी के पास, और वहाँ वो बोल रहा है पुलिस की हाजिरी में कि हमको बीजेपी के कैंडिडेट से डर लगता है। अच्छा। तो पुलिस को उसको निकाल के बाहर भेजना चाहिए कि भाई तू एंटी सोशल है। लेकिन आपसे किसी को क्यों डरना चाहिए? मतलब वो सारी चीज़ें तो कानून व्यवस्था का मामला है, पुलिस जज का मामला है। मैं एमएलए बन रहा हूँ तो स्वाभाविक है जो गलत धंधा करते हैं उनको डर पहुँचेगा, क्योंकि गलत धंधे बंद हो जाएंगे वहाँ। जो गलत काम करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी डबोई में करते हैं, उनके ऊपर रोक लग जाएगी। मैं पब्लिकली हुए बोल रहा हूँ, इसके लिए डरते हैं। अच्छा, कोई अच्छा आदमी डरता नहीं है। आपने ये भी कहा कि डाभोई में दुबई की आबादी नहीं होनी चाहिए। डाभोई को मस्करी में दुबई बोला जाता है हर जगह से, कहाँ जाते हो? दुबई जा रहा हूँ मैं, ऐसा बोलते नहीं, ऐसे डाभोई को मस्करी में सालों से दुबई बोला जाता है। अच्छा। हमको दर्भावती, जो उसका ओरिजिनल नाम था, ऐतिहासिक नगरी थी दर्भावती, उसको दर्भावती बनाना है। ऐतिहासिक नगरी का जो जाहज जलाली थी, जो पोस्पोरिटी उसमें थी, उसको वापस लाना है। दाभोई का नाम बदलना चाहते हैं? जो उसका ओरिजिनल नाम था वही लाना चाहते हैं, कि दर्भावती उसका ओरिजिनल नाम था। आज भी पूंजा विधि में दर्भावती ही बोला जाता है। पूंजा विधि मतलब? यानी जो पूंजा करता रहते हैं वहाँ पर, तो दर्भावती ही बोला जाता है उसको। उसमें तो खैर जम्बूदीप है और पता नहीं क्या क्या आता है, वो तो वो आपको नर्मदा कांटे पे जाओ तब जम्बूदीप आता है। आपने उसमें ये भी कहा कि अगर आप जीते तो मस्जिद मदरसों को एक भी पैसा नहीं देंगे। देखो, हमारे कांग्रेस के हरीफ उम्मीदवार है जी, वो डोनेशन और वोट लेने के लिए मस्जिद और मदरसा में कर रहे हैं। अच्छा। मैं तो ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, कोई मस्जिद मदरसा के लिए आएगा तो मैं कैसे दूंगा? नहीं तो मस्जिद, मुझे तो मंदिर को ही देना है, मंदिर के लिए कोई काम। विधायक के तौर पर आपकी ये प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए कि मस्जिद मदरसे को नहीं देंगे? विधायक के तौर पर धार्मिक बाबत साइड पे रखनी चाहिए, लेकिन लोग आते हैं तो मैंने बोला है, साथ में बोला भी है कि जिसको पढ़ने के लिए मदद चाहिए, जिसको कोई तकलीफ हो, कोई सामाजिक काम के लेके आएंगे कि भाई समूह लग्न है कि ऐसा कोई, तो हम मदद करेंगे। लेकिन ऐसा वो कोई भी कौम का हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो दिख, मैंने पहले वो भी बोला है, पहले दिन उम्मीदवारी पत्र पर कि मैं विधायक बना तो मैं जो मानद वेतन मिलता है वो मैं नहीं लूँगा, और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ डबोई
विधानसभा के क्षेत्र में गरीब और अनाथ लड़कियां है उसका एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे और वो किसी कौम के लिए नहीं, सभी कौम की लड़कियां आ जाएगी उसमें, तो वो बात क्यों नहीं बता रहे हैं? वो भी बतानी चाहिए। जो पहले कहा कि ये कि मतलब मैं डरने नहीं आया हूँ, मैं डराने आया हूँ। जब कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स बोले कि मैं डर रहा हूँ, तो एंटी सोशल को डराना वो प्राथमिकता ही रहेगी। आपने ये उसमें ये भी कहा कि आप अपनी कौम के लिए आए हैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ने। एक सीधी सी बात है जी। मैं मुझे सबसे पहले कौन आगे लाता है? मेरा फैमिली लाता है, मेरी कम्युनिटी लाती है और फिर मेरा समाज लाता है। तो स्वाभाविक है पहली जिम्मेदारी मेरी फैमिली से, मेरी कौम से ही रहेगी। नहीं, वो फैमिली और कौम जब आप विधायक बन जाते हैं तब तो आपकी एक जिम्मेदारी जो है वो सारी जनता के प्रति है। सारी जनता के प्रति वो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी कौम के प्रति होती है जो हमको चुनाव जिताती है। तो सीधी सी बात है, हमको मेरा नाम क्या करेंगे आप ये जानकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक कुछ और जानकारी चाहिए आप? चलो अच्छा, क्या आप जीतने के बाद पहला काम करेंगे डाबोई में अगर जीते तो? मेरी प्रायोरिटी डाबोई को सबसे पहले दर्भावती बनाने का रहेगा। ये हेरिटेज सिटी थी, तो हेरिटेज जो बिल्डिंग है उसको रिनोवेट कर से फिर से उसको ओरिजिनल रूप में लाने का। यहाँ से करीब में वडवाना तालाब है, वहाँ देश विदेश के पक्षी आते हैं, आप जाना देखना। तो उसको रिडेवलप करके वहाँ देश विदेश के लोग वहाँ वो पक्षी देखने आए ऐसा माहौल करना, प्रवासन सेंटर बनाना है। और केवड़िया कॉलोनी जहाँ सरदार साहब का सबसे बड़ा स्टेचू बन रहा है, उसको भी प्रवासन सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाता है। आपके एरिया में आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन जाने आने वाले सब मेरे एरिया से ही जाएंगे। अच्छा। तो उनके लिए गेटवे ऑफ नर्मदा या गेटवे ऑफ केवड़िया नाम से गेटवे बनाना है। विरोध आपके सामने सिद्धार्थ पटेल हैं, चिमन दो बार मुख्यमंत्री रहे, चिमन भाई पटेल के बेटे हैं, और विरोधियों का ये कहना है कि आपका जो ये वीडियो वायरल हुआ है वो उसमें जो आपने बातें कही हैं वो इसलिए कही हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं इलेक्शन में। अरे उनको पता है कि कौन कमज़ोर है, पब्लिक के अंदर बीच में जाओ उन पता चल जाएगा। उनका चेहरा देख के आपको इंटरव्यू देते हैं, तब उनका चेहरा देख के लोग समझ जाते हैं कि क्या हालत हो रही है। उनके मुंह पे हंसी नहीं है अभी। पता की शैलेश भाई के चुनाव का क्या नतीजा होगा वो 18 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उनका वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि वो कम से कम सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग उनको जान चुके हैं इस छोटी सी जगह से। बाकी दिल्ली टॉप गुजरात चुनाव में आपको जगह जगह की ऐसी ही चीज़ें दिखाता और बताता रहेगा। मेरा नाम अमित है और मेरे साथ हैं अमितेश। द ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।